जैसे बलमुआ चल गए पर्दे से एक अलग तरह का गाना आया हुआ है, विरह गीत है, क्या कहना चाहिए? रानी जी और सुमित सिंह चंद्रवंशी का गाना लॉन्च हुआ है। हाँ, मैंने देखा सुमित चंद्रवंशी जी एक बहुत ही उम्दा गीतकार रहे हैं और इसके बाद उन्होंने एक अभिनेता के तौर पे भी काम करना शुरू किया, तो उसमें भी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अब देख रहे हैं कि सिंगर के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं और अच्छा उनको प्रसाद मिल रहा है। तो ये जो एल्बम है हमने देखा यूट्यूब पर, तो बड़ा सुंदर प्रयास किया है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक अच्छी अभिनेत्री जिनके बारे में पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश बिहार पूरा पूर्वी का क्या कहा जाए, पूर्वांचल के लोग बड़ा सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। रानी चटर्जी जी अभिनेत्री रही हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की, वो साथ में हैं तो अच्छा लग रहा है। दोनों की जोड़ी को मैच कर रही है, बड़े अच्छे तरीके से उसको पिरोया गया है और समाज के सामने बहुत सुंदर एल्बम को प्रस्तुत किया गया है, अच्छा लग रहा है। तो गाना आपने देखा जैसे आम भोजपुरी जिस गानों के लिए जानी जाती है, उसे कितना अलग दिखा आपको? इस तरह से गाने बनने चाहिए, लोग इसको देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, साफ सुथरा और हट के प्रयास किया सुमित ने, बड़ा सुंदर तरीके से क्या कहा जब मोतियों को पिरो के प्रस्तुत किया है, तो अच्छा लग रहा है, लोग प्रसाद मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि जो नहीं देखते थे एल्बम वगैरह तो वो भी देखने के प्रयास करेंगे और अच्छे अच्छे मेकर हैं जो एल्बम बना रहे हैं और इस तरह से आगे चल के भोजपुरी इंडस्ट्री आप लोगों की मदद से कहाँ पहुँची है और बढ़ती जाएगी। आई जे प्रोड्यूसर आप भी एक सिनेमा लेके आ रहे हैं जिसका अयोध्या में काफ़ी कई महीने तक मतलब शूटिंग किया, काफ़ी बड़े लेवल पे आपने। हाँ, पहले हमने अयोध्या में भगवान श्री राम के नगरी में आन बान शान बनाई थी, अभी दत्तक पुत्र बनाया, बड़ा अच्छा वहाँ के रहवासियों का सपोर्ट मिला, सहयोग मिला और सेंसर भी हो गए दत्तक पुत्र, अगले महीना रिलीज करेंगे। और प्रयास है कि अच्छी फिल्म बनाने का और समाज के सामने, जैसे अवार्ड के माध्यम से हमने भोजपुरी इंडस्ट्री को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिया, उसमें मीडिया का बड़ा सहयोग रहा, आप जैसे भाइयों का सहयोग रहा है सभी का, तो वैसे फिल्म में अच्छी फिल्म बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। सर, अवार्ड की बात ही हो गई है तो सबसे पुराना अवार्ड जो है आपका ही है और बहुत ज्यादा आपको प्यार करते, कोई सेलिब्रिटी आपको मना नहीं कर पाता है, इस बार कब होगा वो आयोजन? क्योंकि एक शाम ऐसी होती है जहाँ पर सितारों की महफिल जमती है, इस बार कब सर? दिसंबर में होगा, 18 साल होने जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें समय आने पे आप लोग के माध्यम से, आप लोग के सहयोग से सब कुछ होता है, बताएंगे। 18वां वर्ष होगा तो 17 साल तो कंप्लीट कर लिए, 18वां में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसका प्लान अभी से शुरू है, दिसंबर में होगा, अभी टाइम और डेट वगैरह सब डिक्लेयर करेंगे। और अवार्ड आपका भोजपुरी फिल्म अवार्ड बालिग होने जा रहा है 18 साल में, अब मैं तो नहीं कहूँगा लेकिन चलो आपने कह रहे हैं तो बालिग तो हो ही गया है, हैं? और जैसे कहा भाई ने कहा कि इंडस्ट्री के लोग बहुत प्यार करते हैं, तो ये मैं अकेला जरूर इस चीज़ को शुरू किया था लेकिन उन सभी कलाकारों टेक्नीशियन और दोस्तों की मदद से इस सफर को तय कर पाया हूँ और खुशी होती, वो दौर था एक लाइन कोई लिखता नहीं था, आज लिखने के लिए लोग परेशान है, एक चैनल नहीं था, आज चैनल का भरमार है, तो ये सब खुशी होती, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट वो दौर था, कुछ लिखने के लिए लोग तैयार नहीं थे, आज कौन नहीं छापना चाहता, कौन नहीं दिखाना चाहता हमारी इंडस्ट्री को, वो देख के खुशी होती है। हमारी इंडस्ट्री के लोग हमें बहुत सपोर्ट किए और उनकी ऊंचाइयां देख के, उनकी क्या बोलते हैं, सक्षम हो गए हैं हर फील्ड में, हर जगह, चाहे राजनीति हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक अपना मुकाम है। आपने शुरुआत करी, आपको देखते देखते आज हर शहर में, हर राज्य में भोजपुरी अवार्ड शो हो रहे हैं, गिनती नहीं है, रोजाना ही हर हफ्ते हर महीने, तो कहीं बुरा है कहीं अच्छा है, बहुत से आरोप भी लगते हैं कि भाई खरीदा गया बेचा गया, आप क्या कहेंगे इस तरह से रोजाना ही अवार्ड पैदा होते जा रहे हैं, अवार्ड शो पैदा होते जा रहे हैं? अब मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट खुशी होती है जितनी पॉपुलरिटी मिले, बट सम्मान के तरीके से जो चीज़ हो, सभी लोग अवार्ड करें कोई बात नहीं, खुशी है, अवार्ड होना चाहिए, लेकिन सम्मान सम्मान होता, अवार्ड अवार्ड होता, अवार्ड के लिए स्पर्धा होती है, सम्मान के लिए तो हमें आपको कोई भी बुला के सम्मान दे सकता है, हर लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं और हम किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते, हमारे यहाँ सिस्टम है वो आप लोग जानते हो, करोड़ों में कोई खरीद नहीं सकता एक ट्रॉफी और अन्य आज तक खरीद पाया है और ना नॉमिनेशन नहीं खरीद सकता, ट्रॉफी की बात तो बहुत दूर है, तो वो चीज़ को मैं हमेशा जारी रखूंगा, बाकी कौन क्या करता है मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है।
थैंक यू सर। क्या धमाका, बहुत खुशी की बात है कि हमारा बच्चा, हमारा छोटा भाई सुमित सिंह चंद्रवंशी, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का उभरता हुआ हीरो, आज उसके बहुत बेमिसाल गाना, उसकी लॉन्चिंग है और उसकी तीन तीन फिल्म की लॉन्चिंग है, तीन तीन फिल्म का मुहूर्त है। और एक गुरु के लिए, एक पिता के लिए, एक बड़े भाई के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है। मैं बहुत खुश हूँ आज और मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामना है सुमित सिंह चंद्रवंशी को, उनसे जुड़े तमाम निर्देशक को, पूरी भोजपुरी सिनेमा जगत को। मेरा बच्चा सुमित ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, खूब नाम करे, मेरी शुभकामना उसके साथ है हमेशा। ये पीछे आपके पोस्टर लगा है बलमुआ चल गए पर्दे, इसके बारे में? बलमुआ चल गए पर्दे से सुमित का सपना था कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री की क्वीन कही जाने वाली अभिनेत्री रानी जी के साथ वो कभी काम करे, और उसने अपनी मेहनत से गाना किया है बलमुआ चल गले परदेश। उस गाने का आज लॉन्चिंग है, इस लॉन्चिंग के आज पार्टी रखा गया है, आज सुमित का सपना पूरा हुआ। मेरी तरफ से रानी जी को, सुमित को, सबको शुभकामनाएं। रानी चटर्जी और सुमित चौधरी के गाने में आपकी क्या भूमिका है? मेरी भूमिका सिर्फ ये है कि सुमित अच्छा काम कर रहा है, सुमित सबका प्यारा चहेता बना हुआ है, जितना मैंने सिखाया उसको उससे कहीं ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, उसके ऊपर सरस्वती माई का आशीर्वाद है। और जिस बच्चे के ऊपर सरस्वती माई का आशीर्वाद हो इस सिनेमा इंडस्ट्री में, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वो अपनी मेहनत से सफल हो रहा है, सब उसको प्यार कर रहे हैं, बहुत सफल होगा वो, मेरी शुभकामना उसके साथ है। बात की आपके पिताजी की, नाजुक चल रहे हैं, मेरे पिताजी पिछले दो तीन साल से डायलिसिस चल रहा है उनका, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, लेकिन आज भी चूँकि वो सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं, अभिनेता रहे हैं, लगभग 300-400 फिल्में किए हैं, तो उनके अंदर आज भी ये एनर्जी है कि बेटा मैं ठीक होऊंगा और बहुत जल्दी फिर से सिनेमा इंडस्ट्री में आऊंगा। हम लोग उनको जितना हो सकता है संभाल के रखे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी ठीक हो के वो हम सबके बीच रहेंगे। जो तीन फिल्मों का लॉन्चिंग है आज, उसमें आपका किस कुछ भूमिका है? तीन फिल्में, मेरी चाचू की शादी एक फिल्म आई थी सुमित चंद्रवंशी की जो बहुत सफल रही थी, चाचू की शादी 2, एक फिल्म है सुमित चंद्रवंशी हीरो है नाथों के नाथ हरिहर नाथ, और मैं आप बोल सकते हैं कि मैं इन फिल्मों का प्रस्तुत करता हूं, लेकिन पूरा श्रेय इन सारी फिल्मों के बनने का, पूरा श्रेय इसके निर्माता को जाएगा, पूरा श्रेय इसके जुड़े कलाकारों को जाएगा। मेरा मार्गदर्शन है इस फिल्म में, मैं सिर्फ एक मार्गदर्शक की भूमिका अदा कर रहा हूँ। पर्दे पे आप खूंखार भूमिका में नजर आते हैं, क्या इन फिल्मों में आप नजर आएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं इन फिल्मों में खलनायक के रूप में नजर आऊंगा मेरे दर्शकों को, और मुझे लगता है कि खलनायक पुत्र होने के नाते मैं उस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ, अच्छी अच्छी भूमिका करूँ, अपनी भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री को और आगे और थोड़ा सा आगे बढ़ा पाऊँ, तो हो सकता है 50 साल जो मेरे पिताजी ने भोजपुरी को दिया है, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा अनुभव था इसमें जुड़ने का आपका? गाना बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं एल्बम्स, आप लोग जानते हैं कि एल्बम्स मेरे नहीं आते हैं, मैं एल्बम्स नहीं करती बहुत ज़्यादा, लेकिन जब मैंने दोनों गाने सुने सुमित के, मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसे गानों को सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे गाने आने चाहिए हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में, सो इसलिए किया। और नो डाउट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है लोगों का, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, और आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगा गाना। और जो आपके सह कलाकार हैं उसके बारे में बताइए। सुमित बहुत टैलेंटेड हैं और सुमित ने बहुत सारे गाने लिखे हैं मेरे पहले भी, तो जब सुमित ने कहा कि रानी जी गाना करना है, तो मैंने कहा गाना भेजो पहले, सो गाना जब मैंने सुना मैंने कहा वाओ, तो मैंने सुमित से पूछा कि तुम खुद एक्ट करोगे, और तो उसने कहा यस, फिर उसने अपने ट्रेलर्स भेजे, मुझे पता ही नहीं था कि फिल्म एज ए हीरो भी आ चुका है सुमित, तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। और नो डाउट मेरे साथ जब हम शूट कर रहे थे सुमित कहीं से भी नर्वस नहीं हुआ, मैंने बहुत सारे एक्टरों को मेरे सामने नर्वस देखा है, शॉट नहीं दे पाते हैं, डर जाते हैं, बट नहीं, सुमित ने बहुत अच्छे से काम किया और नो डाउट बहुत मेरा बहुत ख्याल रखा। भोजपुरी फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं, ओटीटी पे भी वेब सीरीज किया आपने, खतरों के खिलाड़ी, क्या ये दोनों का अनुभव कैसा था आपका, कितना अलग अनुभव था? बहुत अच्छा अनुभव था खतरों के खिलाड़ी, तो मुझे लगता है कि हर एक इंसान को वो एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि आप क्या कहते हैं वो मौत को छू के आते हैं, मतलब ऐसा ऐसी वाली बात है खतरों के खिलाड़ी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
मैंने अपने डर पर जीत हासिल की वहाँ। मुझे शौक से बहुत डर लगता है और मेरा पहला स्टंट ही शौक का था, तो अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस। वेब सीरीज़ का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा था, डिफरेंट वेब सीरीज़ की थी, एरोटिक सीरीज़ की थी मैंने, तो वो भी एक्सपीरियंस डिफरेंट था, तो अच्छा था। रानी जी के बारे में कि खतरों के खिलाड़ी, तो ये जब से ये भोजपुरी इंडस्ट्री में आई है तब से खतरों के खिलाड़ी कर ही रही है ये। एक्शन फिल्म्स एक्चुअली, ये मतलब रानी जी के बारे में तो मैंने कहा, रानी जी, रानी एक्चुअली एजलेस ब्यूटी है, ये अगले 20 सालों तक भी ये ऐसी रहेगी। एक फिल्म आई थी अंग्रेजी की फेडोरा, अगर आप लोगों ने देखी है, उसमें फेडोरा देख लीजिए, मुझे अभी रानी को देखकर लग रहा है कि फेडोरा एक्चुअली भोजपुरी में बनानी चाहिए। और सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ रानी, आप बहुत, आपका स्क्रीन प्रेजेंस अच्छे अच्छों को नर्वस कर देगा, आप इतनी खूबसूरत लगती है स्क्रीन पे, आपके क्लोजअप बहुत कमाल के हैं, आपको अपने एंगल्स पता हैं और जो भी कैमरामैन आपको शूट करता है उसे भी शायद पता है, और आप बहुत कमाल हैं। ये भी कहूंगा कि रोहित शेट्टी से क्या सीखा, मतलब डायरेक्टर के तौर पे बड़े डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, क्या कहेंगे? रोहित जी, जब मैंने शूट शुरू की थी तो रोहित जी से उतनी बातचीत नहीं थी, लेकिन जब मैंने पहला स्टंट किया अपना शौक का, तो रोहित जी ने मुझे पूछा यू आर एक्शन हीरोइन, मैंने कहा यस, बोला यही क्या कहते हैं, यही क्या कहते हैं उसको, निशानी होती है एक्शन करने वालों की, क्योंकि शौक, मैं जब शौक का कर रही थी ना तो मैं चिल्लाई नहीं, मैं रोई नहीं, तो उन्होंने ये मेरी तारीफ की, और नो डाउट वो बहुत ही पैम्पर करते हैं सारे लोगों को, मुझे उन्होंने बहुत इज्जत। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए मैं ना हिंदी, मेरे ख्याल से हिंदी की सबसे बड़ी फिल्म मैंने की है, सलमान के साथ मैंने काम किया है, मैं भोजपुरी भी करता हूँ, मैं तेलुगु भी करता हूँ, तमिल भी की है। भोजपुरी को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता रहा होगा पहले, पहले लोग शर्माते थे कि भाई मैं भोजपुरी कर रहा हूँ बोलने में हिंदी इंडस्ट्री में, बट अभी हिंदी इंडस्ट्री चाहे वो वेब सीरीज हो चाहे फिल्म हो, वो भोजपुरी एक्ट्रेस को ढूंढ के अपने वेब सीरीज में लेना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस है, बहुत प्यार मिलता है भोजपुरी के लोगों को। ये रीज़न है कि मैं भोजपुरी फिल्में ज़्यादा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनको बहुत प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मतलब मेरे साथ और भी मेरे, क्योंकि मेरी एक्टर फ्रेटर्निटी है, वो जब गाड़ी से उतरते हैं, मैं गाड़ी से उतरता हूँ, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं सिक्योरिटी में और इसमें, और जो सारे सारे मेरे पास भाग के आके सबसे पहले वो मेरे से फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो मुझे मेरे एक्टर बोलते हैं अरे राज तूने क्या ये टीवी सीरियल देखते हैं, बोला नहीं यार ये भोजपुरी फिल्में देखते हैं, तो बहुत प्यार देते हैं। तो और उसकी इज्जत भी बहुत बड़ी है, भोजपुरी सिनेमा की इज्जत बड़ी है, थैंक्स टू ऑल द एक्टर्स जिन्होंने भोजपुरी को अभी तक थामे रखा है और कंटिन्यूस थामे रहे, भोजपुरी की इज्जत बहुत बड़ी है, चाहे रोहित शेट्टी हो चाहे कोई भी हो। वो रोहित सर से मैंने एक चीज़ कही थी कि सर मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है, उन्होंने कहा यस, मैंने कहा मैं एक फिल्म कर रही हूँ जिसका नाम है लेडी सिंघम, कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा यस, तो ले कांग्रेचुलेशन गुड। इसके अलावा देख रहा हूँ फिटनेस के ऊपर भी काफ़ी काम कर रही है आप, यस यस, कितनी मेहनत लग रही है, क्या ये कोई प्रोजेक्ट के लिए है या फिर? नहीं, एक्चुअली फिटनेस से तो मेरा पर्सनल अपना लगाव है, मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, और मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब भी कोई प्रोजेक्ट करती हूँ उसके बाद मैं 2 महीने की छुट्टी खुद को देती हूँ रिचार्ज करने, जस्ट बिकॉज कि मैं थोड़ा वर्कआउट करूँ और थोड़ी नई एनर्जी के साथ शुरुआत करूँ, तो लेकिन मैं अपने टारगेट पे आज तक नहीं पहुँच पाई क्योंकि काम का लोड ज़्यादा है, काम का लोड ज़्यादा है, लेकिन मैं फिटनेस को बहुत प्यार करती हूँ और मैं सबसे कहूँगी कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। गाड़ी में तो पार्टिसिपेट कर लिया, अभी बिग बॉस भी बड़ा शो है, हाँ जी रही है उसमें, हाँ जी मनीषा रानी जी ने बहुत अच्छा किया, टॉप 3 में थी। हाँ, मैंने ये नाम बार बार सुना है और आई थिंक मैंने अभी गाना देख लिया है, मैं पहले भी सबसे मिली थी तो मैंने पूछा था हुई शी, बट अभी गाना देखा मैंने टॉनी कक्कर के साथ, तो वो तो ऑलरेडी फेमस थी, पहले से फेमस थी वो, मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं। और रही बात बिग बॉस की, अनफॉर्चुनेटली एक टाइम ऐसा आया था कि मैं जाने वाली थी लेकिन मैं नहीं गई, और मुझे लगता है कि बिग बॉस मेरे लिए नहीं है,
ऑलमोस्ट सारे रियलिटी शो कर चुकी हूँ, डांसिंग वांसिंग एवरीथिंग, सिर्फ बिग बॉस रह गया. लेकिन मुझे लगता है बिग बॉस मेरे लिए नहीं है, सो नॉट इंटरेस्टेड, मैं देखती भी नहीं हूँ. अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मेरा एक टीवी शो शुरू हो रहा है और साथ ही साथ फिल्में भी शुरू हो रही हैं. सो है बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. भाई मैं तो टीवी करता रहता हूँ, अभी मेरा एक शो ख़त्म हुआ जो दंगल चैनल पे चल रहा था और बहुत जल्दी हम लोग फिल्म करेंगे साथ में. बिल्कुल बिल्कुल, अगले महीने मेरा और एक शो स्टार भारत पे शुरू हो रहा है, फिर एक सोनी पे शुरू हो रहा है. तो क्योंकि मैं टीवी मैं पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ, मैं टीवी छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैं 15-18 दिन टीवी करता हूँ और क्योंकि मेरी ऑडियंस टीवी से मुझे जुड़ा हुआ महसूस करती है, तो मैं अगले महीने मेरा स्टार भारत में नया शो आ रहा है. भोजपुरी फिल्म मैंने खेसारी के साथ एक की है, दो एक महीने में वो रिलीज़ हो जाएगी. मेरे ख्याल से भोजपुरी की बहुत बड़ी फिल्म है, मैं जब वो करने गया तो मुझे काफ़ी बिग बजट, हाँ मुझे वो एक्सपीरियंस. रंग दे बसंती मेरे ख्याल से एसआर के, मेरे ख्याल से मैं सिर्फ जब इतना बोलता हूँ कि भोजपुरी की बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत खेसारी है, तो सामने वाले ही बोल देते हैं रंग दे बसंती की. क्योंकि मैं ऐसा मैंने 4-5 जगह, नहीं आपकी तरफ नहीं, मैं जियो के हेड, भोजपुरी के हेड से मिलने गया. मैंने बोला कि मैंने उनसे पूछा, मैंने उनको बोला भाई मैं अभी शूट करके आ रहा हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा, उन्होंने बोला रंग दे बसंती, मैं बोला हाँ, बोला भाई इतना पहले से पब्लिसिटी की हुई है रंग दे बसंती की, बोलता नहीं सर वो भोजपुरी में थोड़ा सा लोगों को इस बारे में जानकारी है. लिए गाना भी गाया क्योंकि मैंने ना खेसारी का एंथू देखा वहाँ पर. खेसारी कह रहा था कि बस वो उसको पैन इंडिया फिल्में करनी है और ये मेरे ख्याल से रंग दे बसंती ये पहली फिल्म होगी भोजपुरी की जो पैन इंडिया होगी. बहुत ही बड़े लेवल पे बन रही है, बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, डायरेक्शन पैन इंडिया. आपकी हर फिल्म पैन इंडिया है. मेरी मेकिंग एक आ रही है. आपकी हर फिल्म पैन इंडिया, आपका गाना भी पैन इंडिया है. भाई आप मुझे जगह खाली करना पड़ेगा आपको, यही क्योंकि एक्चुअली जो हीरो होते हैं. मैं आज की फिल्म में बहुत खुश हूँ कि आज मेरा गाना आया है इनके साथ. इससे पहले भी 31 तारीख को हम लोग का गाना आया था, उस दिन ही बहुत ज़्यादा खुश था, तो आज सेकंड खुशी का मौका आया है तो मुझे लगा कि इसमें कुछ पार्टी होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने अपने तरफ से कोशिश किया है. बाकी आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो बस प्यार आशीर्वाद दीजिएगा. बाकी मैडम ने मेरे साथ काम किया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे सौभाग्य की बात है. अरे नहीं, अब इतना अच्छा काम करोगे तो कैसे कोई मना करेगा. मैं ही नहीं, कोई भी एक्ट्रेस मना नहीं करेगा आई थिंक. क्या सीखा कुछ कुछ चीज़ तो सीखने को मिल ही जाता है, वो समझ में नहीं आता. क्या ऐसा क्या सीखा जो समझ में नहीं आया. हर दिन सीखते रहते हैं लेकिन हमको पता नहीं चलता है यहाँ से हमने ये सीखा. ऐसा क्या सीखा जो समझ में नहीं आया. अरे आतारू जात तारू ढेर में मी आत तारू, अपने बलम के कमाही जब खात तारू, कहे पछतात तारू झूठे रिझी आत तारू, पूछे ले तो पूछल अपत कहे छिरी आत तारू, लागत कि पला राहू लार करबू, आज न तो काल खूब मार करबू, पियाव के प्यार से बोलाई लय जान, कबल जवानी अब बेकार करबू. बलमुआ चल गई ले परदेश. जैसे ये गाना जब सुने थे, जब हम लोग बनाए थे, तभी हमको लगा था कि इसमें नॉर्मल लुक रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो दोनों लोग का लुक एकदम अलग अलग रखना था. तो जो वीडियो डायरेक्टर हैं लक्की विश्वकर्मा जी, वो तो आज यहाँ नहीं है क्योंकि वो दिल्ली में शूटिंग कर रहे हैं. एक्चुअली हमारा लुक डिसाइड किया जो हम जिन्होंने गाना कोरियोग्राफ किया, जब उन्होंने मुझे कहा कि आप इस गाने में वाइट साड़ी पहनेंगी, और मतलब आप लोगों ने थोड़ा देखा होगा कि गाने में थोड़ा सा लुक बंगाली स्टाइल का थोड़ा सा लग रहा है, तो ये सब कुछ डिसाइड आई थी लकी ने किया था. और जब मैंने सेट पे इनको देखा, ये तो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर थे, बहुत ज़्यादा
तैयारी के साथ सेट पे थे, मेरा तो एक ही ड्रेस है गाने में, इनके तो 3-4 चेंज थे और काफ़ी तैयारी के साथ थे, सो इनका लुक बहुत अच्छा था, सेट पे दिख रहा था बहुत अच्छा। मैंने कुछ अलग, वो उन्होंने ही डिसीजन लिया था, ऐसे कट मारेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे बाल आगे की तरफ रखेंगे, ये सब तो उन्होंने अपना दिमाग दिया और हम सिर्फ सुने उनका बस। और कुछ पूछना है? शूटिंग मुंबई में, मुंबई में मीरा रोड भैंदर वेस्ट। ऑलमोस्ट आप लोगों को गाना अच्छा लगा ना? देखिए गाना जैसे भोजपुरी के सॉन्ग्स, भोजपुरी म्यूजिक पे हमेशा बहुत ज़्यादा लांछन लगते रहते हैं, लोग अक्सर हमसे पूछते रहते हैं अश्लीलता को लेके, बट अभी के जो गाने आ रहे हैं खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में, और आपने जैसे दोनों गाने देखे, ये दोनों गाने आप पूरे परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं, और है ना एकदम। और मतलब हम तो पहले से लिरिक्स लिखते हैं, तो पहले से ही हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा वर्ड ना लिखें जो फैमिली के सामने लोग ना सुने, तो मेरे तरफ से, अपने तरफ से इतना कोशिश रहता है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं। मैं पहले गीतकार ही था, तो उस समय से धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते होते जब इनके साथ मुझे गाना करने का मौका आया, चीज़ें मैं ये मेरा ये अपना ऑफिशियल चैनल है ये, तो मैं सोचा कि मैं इनके साथ गाना करना है, तो फिर इनके साथ कैसा गाना करें ऐसा सोचने में खुद से लिखे। नो डाउट सुमित, मुझे लगता है कि बहुत मेहनत लगी मेरे साथ गाना करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा सुमित की जो इच्छा थी वो देख कर ही मैंने कहा कि लेट्स डू, वरना एल्बम, लेकिन आगे भी जो करोगे तो मैं करूँगी पक्का एल्बम तुम्हारे साथ। मैं आगे अपने ही कंपनी से मैं अपना मूवी आज ही मैं अनाउंस करने वाला हूँ, दो फिल्म, मेरे चाचू की शादी 2 और देवर भाग। तो मैं अपने तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा भाभी के लिए ना, दोनों में से कोई एक फिल्म आप हाँ कर दे, दोनों में मतलब मैं आपको मैं अपने तरफ से, जैसे ये आपने देखा, आप लोगों ने भी देखा जैसा हमारे प्रोडक्शन से जो चीज़ें बना यूनिक लगा, मैं फिल्म में भी कोशिश करूंगा कि एकदम यूनिक लगे। यस यस एक्चुअली वो डेफिनेटली करेंगे। मतलब बात करें बिग बॉस के बारे में, बात कर रहे थे आप, कर दी सर चले ओह गॉड एडिट कर देना ये सब नल्ला है, उसको कोई पूरा नहीं मानता। राखी और सरलिन चोपड़ा का ड्रामा चल रहा है, वो कितना जायज है या पब्लिसिटी स्टंट है, क्या लगता है? देखिए पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि आई नो राखी, आप लोग भी राखी को जानते हैं अच्छे से, लेकिन मैंने सारे वीडियोस देखे हैं आजकल, आई थिंक वही बज़ है यूट्यूब पे, हर जगह पे राखी सावंत है, आदिल दुरानी। मैं लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, आप लोग कोर्ट में सुलझाइए, क्योंकि न्याय तो वहीं मिलेगा, कोर्ट में ही मिलेगा न्याय। सो बाकी राखी हमेशा से एंटरटेनिंग रही है, और मैं कहूँगी राखी कोर्ट पहुँचो और कोर्ट में सुलट आउट करो, अभी तो फातिमा भी हो गई है राखी, सो मैं कहूँगी अल्लाह उन्हें हिदायत दे राखी को, ताकि वो इन घर के मामलात को कोर्ट में जाके सुलझाएं, और हमें जिस तरह से एंटरटेन करती है वैसे करते रहे। हज पे गई है, उस पे काफी बवाल हुआ है, क्या कहना चाहोगे? देखिए एवरीबडी नोज कि आई एम बिलोंग टू अ मुस्लिम फैमिली, तो हज एक बहुत बड़ी बात है हर मुसलमान के लिए है, और मुझे लगता है कि अगर राखी को यह मौका मिला तो नो डाउट ब्लेस्ड है वो, वहाँ जाने का मौका सबको नहीं मिलता है, वहाँ जाने के कुछ रूल्स हैं, कुछ वहाँ जाने के कुछ नियम कानून होते हैं जो राखी ने फॉलो किए, आने के बाद फॉलो कितना करती है वो देखने लायक है। सवाल ये है, सरलिन ने सवाल उठाया कि पासपोर्ट में फातिमा नाम नहीं है, कैसे वहाँ पे चली गई है? तो अल्लाह जाने, सरलिन को तो साथ में ही है अभी राखी सावंत, दूसरे दिन दोनों एक हो जाते हैं, पहले दिन एक बारी किलो में रहता है, ड्रामे नाटक करते हैं, दूसरे दिन एक हो जाते हैं। अब आई डोंट नो इसको ड्रामा नाटक बोल के एड्रेस करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आई थिंक आप भी कन्फ्यूज हैं, सेम मैं भी कन्फ्यूज हूँ। आदिल का कहना है कि मैं अकेला पड़ गया, पहले सरलिन मेरे साथ थी, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, बट आई थिंक आदिल दुरानी अकेले क्यों है भाई, वो हिंदुस्तानी है और
कानून उनके साथ हैं, जिस तरह कानून राखी के साथ है उस तरह कानून उनके भी साथ हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये कभी कभी ऐसा फील होता है देखकर कि ये लोग, इन लोगों ने कोर्ट मीडिया के सामने ही खोल लिया है और यहीं पर हाँ ये कि मीडिया ही डिसाइड करेगी या ऑडियंस डिसाइड करेगी, बट आई थिंक दोनों को फैमिली कोर्ट पहुँचना चाहिए और वहाँ पर इस चीज़ पर कार्रवाई करवानी चाहिए। आदिल एंड राखी दोनों के साथ कानून है तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, जो सच होगा वो जीतेगा, जो झूठा होगा वो हारेगा। बहती गंगा में हर कोई हाथ धोने को सोचता है, 10 लोग और साथ में खड़े हुए मेरे साथ भी चीटिंग किया, कल्याण जी जा रहे भी साथ में आ गए। जी हाँ कल्याण जी हाँ, मेरे साथ 25 लाख का चीटिंग हुआ है, बहुत सारे लोग आ गए, क्या कहना चाहिए? आई थिंक आपने जो कहा कि बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी मुझे पता नहीं है कि किसके साथ क्या चीटिंग हुई है, बट आई नो राखी सावंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने सलीम चोपड़ा के साथ, बोला दुबई में मेरे साथ 25 लाख का फ्रॉड किया। हु नोज रियलिटी ना, फ्रॉड कैसे हो सकता है यहाँ, कैसे हो सकता है? मैंने तो आज तक कोई अवार्ड नहीं खरीदा है, मेरे को सब फिल्में करके मिली हैं अवार्ड्स, तो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट हाँ मैं कहूँगी कि राखी की पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो और कानून पर भरोसा रखो, कानून आपको न्याय जरूर दिलाएगा। फातिमा को आप इजाजत क्या सलाह देंगे आप? फातिमा वो मैं सीधा राखी को मैसेज करूँगी फातिमा के नाम से। थैंक यू। मैं यही कहूँगी अल्लाह उन्हें हिदायत दे, उन्होंने जो हिजाब को अपनाया है उस हिजाब की इज्जत रखें और हिजाब को कैरी करें। क्या थैंक यू, क्या कॉन्ट्रोवर्सी सवाल सब शायद नहीं सही जैसा कि संजय जी ने पूछा कि शायद मैंने इस गाने में गाया है, तो मैं बताना चाहती हूँ हाँ मैंने इस गाने में गाया ही है और इस गाने को निभाने की पूरी कोशिश की है। और इस तरह के जो गाने हैं वो एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जॉनर है, मुझे इस तरह के गाने बहुत बड़ी बहुत पसंद है। मैं पर्सनल लेवल पर भी ऐसे शुरू से ऐसा ही काम करते आई हूँ, पर्सनल लेवल पर प्रियंका सिंह ऑफिशियल मेरा चैनल है उसके माध्यम से या और भी बहुत सारे चैनल हैं, तो मुझे खुशी इस बात की है कि ऐसे गाने और भी सभी लोग बना रहे हैं। सुमित जी ने ये गाना जब मेरे पास लेकर आए तो उन्होंने बोला कि ये गाना आपसे ही करना है, मैंने बोला कि ऐसा मतलब क्यों, तो बोला नहीं ये आपको ही गाना है, चाहे वो आप 10 दिन में गाएं, 15 दिन में, 20 दिन में, जब भी आपके पास समय हो हम रुकने को तैयार हैं। मेरी बहुत ही तबीयत खराब थी, मतलब बुखार सर्दी जुकाम सर्दिया और इनकी शूटिंग थी तो बहुत दिनों ने वेट किया 10 डेज, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा था, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। फिर मैंने बोला कि ठीक है स्टूडियो में एक वन टेक एक शूटिंग के लिए मैं गा देती हूँ, बट और मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि वो जो सॉन्ग आज रिलीज है वो मेरा वन टेक गाया हुआ, वो डमी जो गाते हैं ना शूट के लिए वही रिलीज हुआ। क्या बात है, वन टेक गाया हुआ मुझे सुमित जी पास में। हाँ बिल्कुल, इतनी आवाज फिर से लगी हुई है कि एक लाइन चलिए। अरे प्रियंका मेरी फेवरेट सिंगर है और अभी हाल ही में मैंने हाथों से अवार्ड भी मिला है प्रियंका को, और नो डाउट शी इज़ वेरी टैलेंटेड और इनके मैं सारे गाने सुनती हूँ प्रियंका के। और जब ये गाना मेरे पास आया और मैंने जब मैंने पूछा कि प्रियंका है क्या सिंगर ये, तो बोले हाँ मेरे तो नो डाउट शी इज़ वेरी टैलेंटेड। सुमित कहना यही चाहेंगे कि इस गाना के लिए ये गाना इनके एकदम दिल के करीब है और ये बार बार हमको फ़ोन करके जब ये इन्होंने स्क्रेच जब गाया तो बोले कि गाना ऐसे रिलीज मत करिएगा, मैं दोबारा गाऊंगी दोबारा गाऊंगी दोबारा गाऊंगी। फिर हम लोगों ने विचार किया कि ये गाना इनको दोबारा गाना ज़रूरत है क्या, तो फिर हम लोगों ने देखा कि एक दो लाइन ही तो यहाँ अवेलेबल नहीं थी, तो फिर हम लोगों ने
अपने हिसाब से पंच करके दो मिनट चार मिनट टाइम मिला तो फिर हम लोगों ने ऐसा हुआ कि उस दिन फर्स्ट टाइम में जो हम लोग का रिकॉर्ड हुआ वो इतना बेहतरीन हुआ कि नेक्स्ट टाइम में वो कलर हम लोग को जो चाहिए था वो फर्स्ट जो हो गया वो हो गया था। ऐसा गाना सुन के बिल्कुल लगता नहीं है कि पाँच मिनट में गाई हूँ, खराब थी और बिल्कुल एनर्जी लेवल का। ये मेकअप तो किया है या तुम चश्मा निकाल के आंखें दिखा दो ना एक बार, ये देखो ये है कि नहीं, आंखों की चर्चा हो रही है, आंखों पे पर्दे लगा रखे हैं क्या आँख पे? वो लक्की विश्वकर्मा जी जो वीडियो डायरेक्टर हैं उनका ये था कि ऐसे आँख पे रखेंगे, बाल को ऐसे रखेंगे, वो जो डिजाइन था मेरा ड्रेस वीडियो कॉल पे, नहीं नहीं ये ड्रेस नहीं चाहिए, ये ड्रेस सब चीज सब हाँ इनका ड्रेस नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, दोनों लोग का साथ में था ही नहीं ना, था ही नहीं हम लोगों का, हम लोगों का अलग 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 शूट हुआ, अलग अलग शूट था। मैं एक बात बताना चाहती हूँ एक और कि मुझे अचानक रानी जी को मैंने यहाँ देखा तो याद आया कि ये जो सॉन्ग था तो पहले इन्होंने किसी और को सोचा था, सुमित जी ने, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि सबकी अपनी एक जगह है। बट मैंने मतलब मेरे मन में ना एक मतलब बहुत अंदर से ये गाना अगर वो एक्ट मतलब करेंगी तो वो बात नहीं बनेगी, लेकिन मैं इनसे कह नहीं पा रही थी क्योंकि इनका प्रोजेक्ट है, इनका हर किसी का एक बजट होता है, बहुत सारी चीजें हैं, नहीं तो उसमें भी एक कहानी है। फिर मैंने देखा ना कि ये आपने किया है तो मैं बोली यार दिखाओ, तो मैं स्टूडियो में जब आई दोबारा तो आनंद जी ने बोला प्रियंका जी ये देखिए हो गया है, नहीं जी भी थे दीप सिंह वगैरह देख रहे थे यार कहीं आउट तो नहीं हो रहा, लेकिन जो मतलब मेरा जैसे वन टेक गया था वापस से गाने आई थी तो मैं देखी तो मैं इतनी खुश हो गई, मैं बोली अरे यार मतलब ये बहुत अच्छा, मतलब आपने क्या कमाल का उसमें एक्ट किया है और मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर वो गाना कोई और कर सकता। थैंक यू मतलब नहीं, अब जो इन्होंने बोला कि दूसरे हुआ क्या कि पहले मैं इनके पास गया एक गाना के लिए कि मुझे आपके साथ एक गाना करना है, तो एक गाना का अब देख रहे हैं सेटअप कितना खर्चा है, तो मैंने इनको बोला कि एक गाना करना संभव नहीं है, बहुत कॉस्टली हो जाएगा क्योंकि मेरा अपना चैनल का गाना था, तो फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा एक और गाना है वो भी मेरा कर दीजिए, यही है सच। यस एक्चुअली और जब मैंने ये सेकेंड वाला जो सॉन्ग सुना बलम्बा तो मैंने इसके चलते वो वाला भी गाना किया एक्चुअली लेकिन दोनों ही गाने बहुत अपने 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 धन्यवाद। हाँ मैंने लिखा, म्यूजिक इन्होंने किया है, म्यूजिक आर्यन जी ने किया है, कमाल के बेहतर हो गया, मैं चाहता हूं कि सुमित जी और रानी जी इधर आएं। बिल्कुल थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सुमित जी के बारे में जो गाना है सर उनका है, कैसा लगा आपको ये गाना? पहले पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सुमित अपना छोटा भाई है वो ऐसा ही आगे बढ़ते रहे, हम सब बैक सपोर्ट के लिए खड़े हैं। आप सुन रहे क्या कहेंगे? भाई मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा और मैं आप लोग के साथ मैं 2 बजे था लेकिन अभी इसलिए फिर आया दोबारा कि हमारी फेवरेट जूस है, मैं फिर लौट के आया कि हमारी फेवरेट रानी चटर्जी आई हुई हैं और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, हमारे मतलब 30 साल से मेरी पहचान। वाह क्या चल रहा है बाकी जीवन में? जीवन में बहुत सारी फिल्में हैं और सब शूट चल रहा है और कल से शूट स्टार्ट हो रहा है अर्धनारी पार्ट 2 का, यही शुरू तो काम चल रहा है। लेकिन एक्टर ही बन गए आप? नहीं नहीं आई एम नॉट एक्टर, मैं म्यूजिक डायरेक्टर ही। अच्छा गाना बहुत अच्छा बना है भाई, गाना बहुत अच्छा है, उनको बहुत बहुत बधाई पूरी टीम को। गाने के बारे में सर कैमरा रेडी हो गए सर? हाँ रेडी है सर। क्या सुमित जी के बारे में और गाने के बारे में सर? सुमित इस समय इंडस्ट्री का उभरता हुआ एक कलाकार, बढ़िया कलाकार है और सिंगर भी है और एज ए गीतकार काफ़ी प्रसिद्ध है सुमित सिंह चंद्रवंशी। और रानी जी के बारे में क्या कहना, वो आज से नहीं मतलब कई वर्षों से राज कर रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री पे। सर कहने के लिए क्या है, अभी हम गाना तो सुने हैं बलमुआ वाला और सुमित जो है वो एक अभी उभरते हुए सिंगर है, उभरते हुए लीग सेटर तो एस्टेब्लिश है, उभरते हुए एक्टर है और सबसे बड़ी बात है छोटे भाई साहब हैं। और रानी चटर्जी के बारे में बोलना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि उनके सामने हम
हम लोग बहुत छोटे थे और आज कुछ अच्छा सा काम कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी लीजेंड एक्ट्रेस है हमारे भोजपुरी सिनेमा की, तो उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, बस इतना ही है कि मतलब उनको देख के हम लोग इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया। सुमित जी के बारे में अरेंज कर दीजिए। हाँ जी बोलिए सर, बताएंगे सर, बताएंगे सर, बताइए। सुमित बहुत ही टैलेंटेड है, हमारे पुराने मित्र हैं और सबको पता है कि उन्होंने एक से एक हिट गाने दिए हैं। और सुमित इससे दूसरी बात यही देखते हुए मैं मतलब मेरी अक्टूबर से उनके साथ दो फिल्में शुरू हो रही हैं, उनकी एक काबिलियत देख के, ये सुमित खुद ही बता देगा इंटरव्यू, बाकी सब ठीक है। गाना बहुत अच्छा लगा, अच्छा होगा ईश्वर करे, ये हेडिंग फास्ट है। अच्छा है सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर गाना, दिल खुश हो गया। मैं मुझसे अच्छा कौन जान सकता है और मेरी खुशी को कौन जान सकता है। सुमित को बेटे के जैसा उंगली पकड़ के चलाया, चलना सिखाया, मुंबई लेके आया, आज बच्चा इतना अच्छा कर रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि सबका सम्मान करता है। मैंने यही सिखाया है जो मैंने अपने पिताजी से सीखा है कि बेटा सबका सम्मान करो, सबको प्यार करो। निर्देशक डायरेक्टर फर्स्ट, डायरेक्टर इज द कैप्टन। जब तक निर्देशक की फिल्म बनती थी तब तक भोजपुरी को हम लोग बहुत अच्छे सम्मान देते थे। निर्माता की फिल्म जब से बनने लगी है तो शायद भोजपुरी का वो सम्मान जो है कहीं ना कहीं धूमिल हो गया है। तो सभी निर्देशक का पहले सम्मान किया जाना चाहिए, यही मैंने सुमित को सिखाया है और वो करता भी है। बहुत सारी कहानियां हैं, अगर मैं सुमित के बचपन की बात करूंगा तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कॉमेडी भी उसमें है। जिस तरीके से ये गाना लिखता था, जिस तरीके से मुझसे पूछता था कि भैया किरण का मतलब क्या होता है, पवन का मतलब क्या होता है, रात को 1 बजे उठा के पूछता था। मैं बोलता था बेटा किरण का मतलब प्रकाश होता है, पवन का मतलब हवा। आपको उठाने की आवश्यकता पड़ती थी क्या? हाँ, लिखता था ना बगल में, भैया 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 गाना लिख रहे हैं बताइए। और बहुत खुशी, आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दिन था, आज से करीब 2009 की बात है, 8 की बात है शायद, मैंने सुमित को एक 500 का नोट दिया और कुछ, मैंने कहा बेटा जाओ घूमो। तो आज 2022 में एक दिन मुझसे उसने कार पे बोला, मैं कार ड्राइव कर रहा था, बोला भैया आपको वो दिन याद है जिस दिन आपने मुझे एक 500 का नोट दिया था? मैंने कहा शायद दिया होगा, याद नहीं है। तो उसने बोला भैया जीवन में पहली बार वो 500 का नोट मैंने देखा था। तो ये 2022 में उसने मुझसे शेयर किया ये बात। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बच्चा लायक है, अच्छा कर रहा है। आप सब लोग सिनेमा इंडस्ट्री के लोग उसको प्यार दीजिए, उसको गले लगाइए, इससे अच्छी बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। थैंक यू।